लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? 29 अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और दो दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इश्यू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे, और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूँ, आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा। रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो दो दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? दाऊद इब्राहिम का आदमी रियाज भाटी है, आज फरार है। थाना में जितनी उगाही हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाही के कार्यक्रम का हिस्सा था। बहुत सारे मुकदमे खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है। हमारे साथ कोई फोटो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है। नहीं, देखिए ऐसा है, रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दो पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो दो दिन में कैसे छूट जाता है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है। तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली, मैं ये नहीं कहना चाहता। किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं। मेरा आरोप है कि दो पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुकायद गुंडा, दो दिन में जमानत हो गई। एक कुकायद गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा, पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था।